हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 4 11.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, देखो इन्होंने एक्सप्रेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी नीचे एक्सप्रेशन आई है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर, उनका प्रोडक्ट निकालो। प्राइम फैक्टर करना है और प्रोडक्ट तैयार करना है ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। प्रोडक्ट निकालने के बाद उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाके छोड़ना है। देखो एक क्वेश्चन आप करते हैं, फिर आपको जरूर समझ में आएगा, आशा करते हैं। देखो क्वेश्चन जब फर्स्ट अटेम्प्ट होएगा, क्वेश्चन फर्स्ट में हम यहाँ कर देते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट 108 लिखा है मल्टीप्लाई 192। ध्यान से देखते रहना, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाके छोड़ना। और हेल्प किसके ले सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो इसका मतलब जब भी किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल में बनाना रहता है, हमने आपको सिखाया था क्या करना पड़ता है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसका प्रोडक्ट फॉर्मूला, और वही हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। ध्यान से देखना इसमें क्या करेंगे हम। आप देखो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किस किस का, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इधर करेंगे, आपको क्वेश्चन के बिल्कुल बगल में रखना है, वो उसने मांगा है। तो 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 108 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखो स्पीड में कर देते हैं हम आपके लिए, 2 5 जा 2 4 जा, फिर 2 से जाएगा 2 2 जाए 2 7 जा, फिर 3 से जाएगा 3 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा। इस टाइप से हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 108 का हो गया, 192 का देखेंगे। 192 का क्या होगा, 2 से 2 हमारा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा एंड 2 8 जा, 2 से करेंगे 2 24 जा, फिर 2 से 2 12 जा, फिर 2 से 2 6 जा, फिर 2 से 2 3 जा एंड 3 1 जा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो हम 108 को कैसे लिख सकते हैं, 2 2 टाइम से एंड 3 3 टाइम से। तो इसका हम 108 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। 108 को मैंने ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेके। आगे क्या है, 192 था, 192 में क्या रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 3 की पावर 1, एक ही 3 है बस, सिंपल सा। अब देखो ये जब हमने प्राप्त कर लिया, मतलब हम इस चीज को 108 को ऐसे लिखेंगे और बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, और 192 को इस टाइप से, सिंपल सा इस टाइप से हमने आपको करना सिखाया। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला चला गया, फॉर्मूला क्या चला गया, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो और पावर डिफरेंट हो, तो पावर हो जाती है हमारी प्लस, ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन इजिक्वल्स टू ए की पावर एम प्लस एन। जैसे कि 2 एंड 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 की पावर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई कौन सा, फिर 3 की पावर 3 प्लस 1, देखो इधर 1 है, सिंपल सा गेस। आगे क्या सॉल्व हो जाएगा, 2 की पावर हमारा 8 आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा केस। बाकी वीडियो पॉज करके आपको ये इसके बगल में रखना है, बाकी ये आपको सोल्यूशन देना है, फॉर्मूला भी जरूर मेंशन करना। सेकंड पार्ट इसका एक बार आंसर चेक कर लेंगे हम आपके लिए, इसका 2 की पावर 8 एंड 3 की पावर 4 हो रहा है, देखो हल्का सा हल्का सा, 3 प्लस 1 4, अगर एरर छूटेगा तो आंसर कभी मैच नहीं होगा। तो नेक्स्ट पार्ट आपके लिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या है हमारा, सेकंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है हमारा 270। आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन नोट कर लेना, आपके सामने सोल्यूशन तो ही, ये इसको बगल में रख के दिखाना है, बाकी आप नेक्स्ट पार्ट प्राइम फैक्टराइजेशन हम यही करेंगे, आप इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। डस्टर हमारा मिल गया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका 270 का, इस बार 270 है, सिंपल सा कैसे, 270 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से जाएगा हमें तो पता है, 2 1 जा 2 एंड 2 35 जा। अब देखते हैं 2 से जाएगा कि नहीं, 2 से तो नहीं जा रहा है, लास्ट में 5 आ चुका है, तो इसका मतलब 8 3 से जा रहा है, 3 4 जा एंड 3 5 जा, फिर 3 से 3 1 जा एंड 3 5 जा, फिर 3 से 3 5 जा एंड 5 से 5 बन जा, इस टाइप से हमारा केस आ रहा है। तो आंसर क्या आया, देखो 270 का आंसर, 2 की पावर 1 e की है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना हो रहा है, 3 की पावर, 3 की पावर हमारा कितना हो रहा है, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5, इस टाइप से। अब देखो 3 की पावर के साथ तो कुछ नहीं कर सकते, बट इन दो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो 5 टू जा 10 हो जाएगा। एक बार आंसर चेक करेंगे हम आपके लिए, और आंसर तो इस टाइप से कुछ नहीं है, 5 की मल्टीप्लाई यहां नहीं करी, उन्होंने आंसर यहीं छोड़ दिया एक्सपोनेंशियल में, मतलब ये वाली लाइन नीचे ऐसे आ सकती है, आपके पास ऑप्शन है बट उसको यहीं छोड़ देना आंसर को। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए, नेक्स्ट पार्ट भी हमारा फर्स्ट की तरह ही है, दोनों दोनों जगह आया है मल्टीप्लाई में, प्राइम फैक्टराइजेशन दो टाइम्स करना पड़ेगा, टू टाइम्स, नंबर दो है।
तो देखो थर्ड पार्ट करने से पहले प्राइम फैक्टराइज एसएससी निकाल देते हैं इन दोनों का। 729 का करना है, 2 से तो जाएगा नहीं, 64 चला जाएगा, 2 से स्पीड में कर देते हैं। 232 जा, 216 जा, 28 जा, 24 जा, 22 जा एंड 21 जा, इसका तो आ गया हमारे पास बड़ी प्यारे का। नेक्स्ट आता है हमारा 7 और हमारा 16, 3 से चला जाएगा, 32 जा, 34 जा एंड 33 जा, 3 से जाएगा, 38 जा एंड 31 जा, 3 से 32 जा एंड 37 जा, 3 से 39 जा, 3 से 33 जा एंड 3 से 31 जा। तो इस टाइप से हमारा आंसर, तो आंसर क्या हो रहा है देखो थर्ड वाले में, थर्ड वाले में आंसर क्या हो रहा है अकॉर्डिंग टू यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके बगल में दिखाने प्राइम फैक्टराइजेशन जो मैं इरेज कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है थर्ड वाले में 729 था, 729 मल्टीप्लाई 64, तो इसको कैसे लिखेंगे 729 को क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 3 है तो 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई क्या आएगा 64, किस केस में 2 की पावर कितना हो गया 2 की पावर हमारा 6, 2 की पावर 6। देखो ये आगे भी सॉल्व हो सकता है जब बेस अलग हो पावर सेम हो, तो 3 2 6 6 की पावर 6 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर तो हमारा यहीं छूट रखा है, इससे आगे भी क्वेश्चन बढ़ सकता है, बाकी आप वीडियो पॉज करके नोट करें इसको, आपके लिए फोर्थ पार्ट लास्ट पार्ट इसका बहुत इजी, बस प्राइम फैक्टराइजेशन हमने आपको एक फर्स्ट एक्सरसाइज में कराया है तो हमारी सेकंड चल रही है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर नोट कर लेना। नेक्स्ट पार्ट का हमारा 768 है, 768 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, 2 से जाएगा 2 3 6, 2 8 एंड 2 4, 2 से दोबारा 2 1 जा, 2 9 जा एंड हमारा 2 2 जा, फिर 2 से 2 9 जा, 2 6 जा, फिर 2 से 2 4 जा एंड 2 8 जा, फिर 2 से 2 24 जा, 2 से 2 8 2 12 जा, फिर 2 से 2 6 जा, फिर 2 से 2 3 जा एंड 3 1 जा। लो हमारा फोर्थ पार्ट भी बड़ी स्पीड में हो गया। फोर्थ पार्ट में क्या था हमारा 768, 768 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम से 2, तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई में क्या आएगा 3 की पावर 1। एक बार आंसर चेक करेंगे हम आपके लिए, आंसर जब आंसर शीट में देखेंगे 2 की पावर 8 एंड 3 ही लिखा है, बाकी सिंपल सा केस था, हम इनको एक्सपोनेंशियल में बनाना था, कुछ नंबर दे रखे थे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद ही एक्सपोनेंशियल कर सकते हैं, अगर उसके करने के बाद भी कुछ फॉर्मूले पुट हो रहे तो उनको पुट कर सकते हैं, बाकी वीडियो पॉज करके नोट करें। फिलहाल इस क्वेश्चन में इतना ही, धन्यवाद।